आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त खबरों का। राजधानी भोपाल के पुराने इलाकों में पुलिस ने आज सुबह से ही कर्फ्यू लागू कर 11 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी है। कर्फ्यू का आदेश भोपाल कलेक्टर ने जारी किया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुराने भोपाल में रास्तों को भी सील कर दिया गया है। यहाँ कर्फ्यू का पालन कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। दरअसल भोपाल कलेक्टर ने आज सुबह 9 बजे से आगामी आदेश तक के लिए यहाँ कर्फ्यू लगाया है। बताया गया है कि हाल ही में हाईकोर्ट ने शहर के कबाड़खाना क्षेत्र में स्थित लगभग 30,000 वर्ग फीट भूमि के विवाद को लेकर संघ कार्यालय केशव निगम के पक्ष में फैसला दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद केशव निगम के पदाधिकारी आज उक्त भूमि पर फेसिंग करने पहुंच रहे हैं। इस दौरान क्षेत्र में कानून व्यवस्था संबंधी किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति या विवाद उत्पन्न न हो, इसलिए जिला एवं पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। आपको बता दें कि पुराने भोपाल के रास्तों को सील कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने विगत देर रात से ही यहाँ बैरिकेड्स लगाना शुरू कर दिए थे। इलाकों के लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी जा रही है और राह से गुजरने वाले लोगों को वापस घर लौटाया जा रहा है। ये जो हनुमानगंज किला और गौतम नगर इन तीन थाना क्षेत्रों में जो है फोटो वाली लगाई गई है, वो इसलिए लगाई गई है क्योंकि एक ट्रक है उसकी भूमि का जो विवाद है बहुत पुराना चल रहा था, क्योंकि कोर्ट के फैसले सारे उस ट्रक के पक्ष में है, इसलिए जो है वहाँ पे जब वो पोजीशन ले रहे हैं तो उसके दौरान हम लोगों का ऐसा एंटिसिपेट हुआ था कि अगर सांप्रदायिक पर किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो जाए, इसी के परिदृश्य में 44 भी लगाई गई है, बाकी पुलिस की व्यवस्था बैरिकेडिंग की व्यवस्था। तो सुने में अगर किसी तरह की रैली भी निकाली जाएगी? नहीं, कोई रैली नहीं है किसी प्रकार का, कोई शिला नहीं।